पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी तो आप किसी भी पावर पॉइंट में बना सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एमएस ऑफिस 2010 या उसके बाद का कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। PowerPoint 2010 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एक डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट डिज़ाइंस मिल जाते हैं, जैसे कि हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक टाइटल डाल देते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ ईशान कंप्यूटर अकेडमी। नीचे यहाँ पर सबटाइटल है, इसमें हम कोई भी सबटाइटल डाल सकते हैं। मैं इसमें अकेडमी का एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, इसके लिए हम जाएंगे होम और यहाँ न्यू स्लाइड में जाकर जिस टाइप की भी स्लाइड हम लेना चाहते हैं ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमें टाइटल के साथ कंटेंट डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टाइटल डाल देंगे और यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कंटेंट डाल सकते हैं जिसमें हम एक इमेज डाल देते हैं। यहाँ से हम एक लोगो चूज करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, लोगो यहाँ पर आ चुका है। इसमें हम एक और स्लाइड डालेंगे, इसके लिए न्यू स्लाइड में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक स्लाइड ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डाल लेते हैं टाइटल ओनली। इसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं आवर कोर्सेज, यहाँ पर हमें अपने कोर्सेज डालने हैं। कोर्सेज हम डालेंगे एज ए ग्राफिक, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट चूज़ करेंगे और यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की लिस्ट दी गई है, हम कोई भी एक चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कंटेंट डालना होगा, सबसे पहले हम डाल देते हैं ADCA। नीचे यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म डाल देते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नीचे यहाँ पर हम इसकी ड्यूरेशन डाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें हम डाल देते हैं 1 ईयर। दूसरा कोर्स यहाँ पर हम डालते हैं DCA, इसकी फुल फॉर्म डाल देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नीचे यहाँ पर हम डाल देते हैं ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन हम डाल देते हैं 6 मंथ्स। तीसरा कोर्स हम डाल देते हैं DOAP, इसकी फुल फॉर्म हम डाल देते हैं डिप्लोमा इन ऑफिस एंड ऑटोमेशन, इसकी ड्यूरेशन हम डाल देते हैं 1 ईयर। ओके, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अभी अगर हम चाहें तो इस लिस्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसको बस हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे डिज़ाइन में और डिज़ाइन में हमें लिस्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि हम ये भी रख सकते हैं और यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं। चलिए हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। इसके बाद हम इसको उठा करके थोड़ा सही से रख लेते हैं, यहाँ पर हमारे कोर्सेज आ गए हैं। इसके बाद हम एक और स्लाइड लेते हैं जिसमें हम अपना एम डालेंगे, तो हम टाइटल ओनली लेंगे और यहाँ पर डाल देते हैं आवर एम। नीचे यहाँ पर हम आवर एम टाइप करेंगे तो इसके लिए हमें लेना होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे अपने माउस से, इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से टाइप किया हुआ है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एम यहाँ पर आ गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। अगर हम चाहें तो फॉर्मेट में जाकर इसको अलग अलग डिज़ाइंस भी दे सकते हैं, यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल मिल जाते हैं, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शेप स्टाइल दे देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम अपने लिंक्स डालेंगे कि हमारा लिंक किन किन से है, तो हम टाइटल ओनली और यहाँ पर हम डालेंगे आवर लिंक्स। नीचे यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपने लिंक्स, या आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम कोई शेप स्टाइल इसको दे देते हैं। इसके बाद हम एक और स्लाइड यहाँ पर लेते हैं जिसमें बस हम थैंक यू बोलेंगे, तो हम यहाँ पर टाइटल विद कंटेंट ले लेते हैं, टाइटल डाल देते हैं थैंक्स, और यहाँ पर कंटेंट में हम कोई भी क्लिप आर्ट या कोई भी इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी पिक्चर रखी हुई है सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर आ चुकी है, हमारी स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ एनिमेशंस डालेंगे, इसके लिए हम एनिमेशन में या ट्रांजिशंस में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, जैसे कि हम ये वाला स्टाइल यहाँ ले लेते हैं, इसमें ये इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर और भी स्टाइल है, जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर आपको शो होगा। चेकरबोर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो इसमें से यहाँ पर हम कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला स्टाइल इस पर अप्लाई कर देता हूँ।
यहां पर हम अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देते हैं, ये सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ऑप्शन है एडवांस स्लाइड का, इसमें हम माउस का क्लिक खत्म करके ऑटोमेटिक को रखते हैं। इसमें हम टाइम दे देते हैं या यहां पर हम 5 सेकेंड दे देते हैं। अब हमें यहां पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहां स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड स्लाइड शो का, इसमें यहां स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर स्लाइड आ जाएगी और अब आप जो भी बोलेंगे वो यहां पर रिकॉर्ड होता रहेगा। और ऊपर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि आपने कितना यहां पर रिकॉर्ड किया है। इसके बाद अपने माउस का क्लिक करेंगे या फिर यहां से आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने सेकंड स्लाइड आ जाएगी। आप इसके बारे में यहां पर बताओगे, जो भी आप बोलेंगे यहां पर रिकॉर्ड होता रहेगा। इसके लिए आपके कंप्यूटर में एक माइक्रोफोन होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं बस आप नेक्स्ट करते जाइए और उनके बारे में आप यहां पर एक्सप्लेन करते जाइए। जैसे आपको लगता है कंप्लीट हो गया तो बस एस्केप प्रेस करेंगे, आपके सामने पूरी समरी आ जाएगी कि कौन सी स्लाइड में आपने कितने टाइम तक के लिए रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में 30 सेकेंड, सेकेंड में 10 सेकेंड, यहाँ पर फिफ्थ में 4 सेकेंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप एक बार प्ले करके देखना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स को, तो आप यहाँ स्लाइड शो में आएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पर अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर जो वॉइस आपने रिकॉर्ड की थी उसको सुन भी सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो फिर आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना आप वेट करेंगे। जितने जितने टाइम के लिए आपने रिकॉर्डिंग की है उतने उतने टाइम में ही ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना स्लाइड शो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगती है कोई मिस्टेक है तो आप उसी स्लाइड पर जाएंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। अब इसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को हम सेव कर देंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नाम दे देंगे, हम डाल देते हैं PPT, लोकेशन चूज करेंगे और सेव कर देंगे। देखिए सेव हो चुका है। अब हम किसी को भी ये PPT फाइल सेंड करेंगे तो वो उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन करके स्लाइड शो देख सकता है। लेकिन हम चाहते हैं इसको वीडियो बनाना, तो इसके लिए हम आएंगे पावर पॉइंट में, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड सेंड का, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ए वीडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप वीडियो का नाम चूज कर लीजिए, जैसे कि वीडियो का नाम हम चूज कर लेते हैं PPT वीडियो। सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं। तो YouTube पर आप जो प्रेजेंटेशन की वीडियोस देखते हैं उन्हें इसी तरीके से बनाया जाता है। यहाँ PPT में तैयार करते हैं, उसके ऊपर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको यहाँ वीडियो में कन्वर्ट करके YouTube पर अपलोड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि ये वीडियो में किस तरीके से प्ले होगा। फिर आप जिसको भी सेंड करेंगे उसके पास PPT होना, पावर पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, वो बस वीडियो को अपने वीडियो प्लेयर में प्ले कर सकता है। ओके, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं PPT वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब हम पावर पॉइंट को कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर आप देखिए ये है PPT वीडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो प्लेयर में ओपन हो जाएगी। इसको हम VLC मीडिया प्लेयर में ओपन करेंगे, इसके लिए ओपन विथ पर जाएंगे और यहाँ VLC मीडिया प्लेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो PPT हमने बनाई थी वो अब वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप जिसको भी आप सेंड करेंगे उसके पास पावर पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो अपने वीडियो प्लेयर में ही इसको देख सकता है। जो वॉइस हमने रिकॉर्ड की है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही है, स्लाइड आपके सामने होती है। जैसे आपकी वॉइस ख़त्म होती है उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है ऑटोमेटिक, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रेजेंटेशन बना करके देखेंगे और उसके बाद हम MS Access स्टार्ट करेंगे।